नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी रेसिपी है धनिया पुदीना वड़ा। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं थोड़े से पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, फेंटा हुआ दही और नमक। अब एक एक करके इनको मिक्सर के जार में डाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इनका पेस्ट बनाना है ना। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और फेंटा हुआ दही। अब इस पेस्ट को एक साइड में रख लेंगे। अभी हमने एक दूसरा बाउल लिया, इसमें एक कटोरी आटा या मैदा ले लेंगे और इसमें एक चम्मच बेसन और एक चम्मच सूजी रवा डाल लेंगे। साथ में हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और अजवाइन और एक या दो चम्मच तेल या घी का आप डाल सकते हैं। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू। नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए। नींबू से इन वड़ों का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। नींबू निचोड़ने के बाद हम पेस्ट डालेंगे, जो पेस्ट हमने बनाया था धनिया और पुदीने का। धीरे धीरे इस आटे को मथ लेंगे। जब आटा अच्छी तरह गूंथ जाए, चपातियों जैसा आटा बन जाए, तब इसकी हम छोटी छोटी वड़ियाँ बना लेंगे, या आप बाटी के हिसाब से बाटी भी बना सकते हैं, एकदम से पतली और छोटी, ताकि सीखने में कोई तकलीफ ना हो, आसानी से सीख सके। देखिए, छोटे छोटे वड़े बना लिए हमने। अब इनको एक पैन में हमने तेल या घी लगा के रख लिया है। अभी एक तवे को हमने पहले से गर्म करके रखा हुआ है और उस पर हमने कढ़ाई डाल दी है और इन बड़ियों को नीचे घी लगा के रख दिया है, ताकि चिपके नहीं। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट बाद में दोबारा से संभालेंगे। हमें इसको मध्यम आंच पे सेकना है और 5 मिनट बाद में इनको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसमें छोटे छोटे होल कर देंगे, ताकि हवा पास हो जाए और कोई भी बड़ी किसी प्रकार से कच्ची ना रह पाए। आपको इनको धीमी या मध्यम आंच पे सेकना है। अगर हम तेज आंच पे सेकेंगे तो ऊपर नीचे से तो वो सिकी हुई दिखेंगी, बट वो अंदर से सिकेंगे नहीं। इसके लिए आपको गैस पे सेकना है तो मध्यम आंच पे सेकिए और दोबारा से ढक्कन लगा दीजिए। आप माइक्रोवेव में भी इनको सेक सकते हैं, माइक्रोवेव में भी फटाफट ये बन जाएंगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी इनको आप ठंडा कर लीजिए और निकाल लीजिए। देखिए, एकदम से क्रिस्पी वड़े तैयार हैं, पुदीने और धनिया के वड़े। एकदम से हेल्दी है, ज़्यादा तेल या घी का भी इस्तेमाल हमने नहीं किया है और ये फटाफट बन भी जाती हैं और एकदम से गर्मा गर्म खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। हेल्दी तो है ही है, साथ में स्वादिष्ट भी। अगर आपको और ज़्यादा इसको स्वादिष्ट बनाना है तो आप ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। देखिए, एकदम से क्रिस्पी वड़े तैयार हैं। हरे धनिया की चटनी और टमाटर सॉस टमाटर केचप के साथ आप खा सकते हैं। इसको ज़रूर बनाइए और खिलाइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।